Children, you are most welcome in your online class of class 3rd. This is Uma Taplial and I am teaching you moral science. Here I am teaching you a story related to value of time. We should not waste the time and understand the value of time. In last video, I explained you the first page of this story that this is the story of a boy who always wanted to play who did not listen to his mother did not listen to his teacher did not finish his homework did not prepare for his exams and he also could not concentrate to his study one day he went to a park and there he found a gardener who was busy to doing his work he asked the gardener to play with him, but the gardener was busy to doing his work. Today, we will go further to this story. I can't do that, sir. The rainy season is approaching, and I have to show these seeds before that, so that the new plants can grow and flowers bloom in time. If I don't do that, the park will look dull and drab without flowers and I may be out of job for the ignoring my work said the gardener with these words the gardener moved to the other part of the park it means when the arno asked gardener to play with him the gardener refused because he was busy to doing his work he wanted to finish his work on time so that plants can grow flowers can bloom and if he would not फिनिस्ड his work on time, maybe his owner ऑनर गेट हिम आउट फॉर हिज जॉब इट मीन्स जब अर्नव गार्डनर को अपने साथ खेलने के लिए कहता है तो गार्डनर मना कर देता है क्योंकि वह अपना काम टाइम से पूरा करना चाहता था ताकि प्लाट्स जो है वो खिल सके प्लांट्स ग्रो कर सकें अगर वो अपना काम टाइम से फिनिश नहीं करता तो हो सकता है उसका मालिक से नौकरी से निकाल दें इतना कहते हुए गार्डनर वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है डिसाइडेड टू अर्नव डिसन एल्स टू प्ले विद ही शॉ ब्लैक एंड हरिंग अबाउट ही आस्ट देम हेलो एंड वुड यू लाइक टू प्ले विद मी हाउ एंड वैन वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर द रेनी सीजन सो वी हैव नो टाइम टू प्ले रिप्लाई टू लीडर ऑफ एंड इट मीन्स आफ्टर द गार्डनर अर्नव फाउंड सम एंड्स सो ही रिक्वेस्टेड एंड्स टू प्ले विथ हिम बट द लीडर ऑफ़ एंड रिफ्यूज टू प्ले विध हिम बिकॉज दीज एंड विजी टू कलेक्टिंग दियर फूड फॉर द रेनी सीजन अब अरनों को कुछ एंड्स जो होती है वो दिखाई देती है तो वो उनसे भी खेलने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन एंड की जो लीडर होती है वो खेलने से मना कर देती हैं क्योंकि वे सारे जो हैं अपने लिए रेनी सीजन के लिए खाना इकट्ठा कर रही होती है तो इसलिए वह कहती है हमारे पास खेलने का टाइम नहीं है बट द रेनी मंथ्स आर लॉन्ग वे ऑफ यू कैन कलेक्ट योर फूड लेटर और नो रिक्वेस्टेड दैम एज ही फॉलो द ट्रायल ऑफ एंड नो इफ़ यू प्ले नाउ वी विल नॉट एबल टू कलेक्ट इन अ फूड फॉर द रेनी सीजन सो यू कैन बैक लेटर वैन द रेन स्टार्ट देन ही देन वी विल प्ले विथ यू सेंग सो दीडर रस्ट ऑफ विद द अनदर एंड अर्नव कहता है कि रेनी सीजन तो अभी बहुत दूर है तो आप खाना बाद में भी इकट्ठा कर सकती हैं अभी आप मेरे साथ खेल लें तो एंड की लीडर कहते हैं कि नहीं नहीं अगर हम अभी खेलेंगे तो हम रेनी सीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे इसीलिए जब रेनी सीजन आएगा तब आप हमारे साथ खेलने के लिए आना हम आपके साथ जरूर खेलेंगे देन अर्नो टर्न टू द स्क्रल हु वॉज कैरिंग अ नट टू द अदर ट्री हे स्क्ल कम एंड प्ले विद मी आस्क अर्नो नो नो आई हैव टू नट्स बिफोर द रेन स्टार्ट अदरवाइज आई विल हैव टू स्टॉप सेट द स्क्रल एंड स्क्रीट अवे अब अर्नो जो है स्क्वेरल से कहता है कि क्या आप मेरे साथ खेलोगी स्क्वरल तो कहती कि नहीं नहीं अभी मुझे रेनी सीजन से पहले पहले अपने लिए नट्स इकट्ठे करने हैं अदरवाइज मैं रेनी सीजन में भूख से मर जाऊंगी सडनली अर्नव आईज़ फेल ऑन बीज होवरिंग ऑन फ्लार्स बीज कम एंड प्ले विद मी प्लीज आई हैव नो वन टू प्ले विद अर्नव सेट सॉरी अर्नव वी आर बिजी विद कलेक्टिंग नेक्टर्स टू मेक हनी सेट द बीज इफ वी डोंट कलेक्ट नक्त नाव हाउ विल वी फिल आर हाइव्स बिफोर द रेन कम्स सेइंग सो द बीज गो बैक टू वर्क लिविंग अर्नव स्टैंड देअर वॉन्डरिंग होम टू प्ले विद अब स्क्रल भी जब खेलने से मना कर देती है तो अर्नव की नज़र बीज पे पड़ती हैं जो कि फूलों पर मंडरा रही होती है वह बीज के पास जाता और उनसे कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ खेलो कोई भी मेरे साथ नहीं खेल रहा है तो बीज कहती है कि नहीं हम नहीं खेल सकती हैं क्योंकि हमें जो है फूलों से नेक्टर कलेक्ट करना है हनी बनाने के लिए अगर हम अभी खेलेंगे तो फिर रेनी सीजन से पहले हम अपने हाइप्स को हनी से कैसे भर पाएंगी ऐसा कहते हुए बीज वहाँ से अपने काम पे चली जाती है अरनऊ वहीं जो है इधर उधर घूमता रहता है कि कोई और उसे खेलने के लिए मिल जाए डिसंटेड अरनौट टू हिमसेल्फ नो बडी नोज हाउ टू प्ले एंड फन that he played his own for some time until he was hungry when he returned home he told his mother about the gardener and squirrel and bees his mother told him to study and prepare for the exams next week जब सब अर्णव के साथ खेलने से मना कर देते हैं तो निराश होकर अर्णव अपने आप से ही कहता है कि किसी को भी नहीं पता कि कैसे खेला जाता है कैसे मजे लिए जाते हैं अब वह अपने आप से ही खेलता है जब तक कि उसे भूख नहीं लगती जब वो घर जाता है अपनी माँ को गार्डनर एंड स्क्रल और बीज के बारे में बताता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि आपको भी अपनी स्टडी करनी चाहिए और आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए हाउ एवर कंटिन्यूड टू वेस्ट टाइम एंड डिड नॉट स्टडी वेन ही गॉट हिज रिजल्ट ही गॉट द लोवेस्ट मार्क्स इन क्लास ही केम होम क्राइंग आई हैड नो टाइम टू स्टडी वट कु कहने के बाद भी अर्नो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करता रहा और पढ़ाई नहीं करी जब उसके एग्जाम्स हुए उसके रिजल्ट मिले तो उसे क्लास में सबसे कम मार्क्स मिले थे अब वह घर आया रोते हुए और कहने लगा कि मैं कैसे पढ़ाई करता मेरे पास तो टाइम ही नहीं था अरनोज मदर टुक हिम टू द फार and the dark clouds and the cool breeze blew in the park there anusha no sure the gardener ants squirrel and bees they were all enjoying after having completed their work on time arnav ki ma use park mein le gayi jahan par jo hai kale badal the thandi hawa chal rahi thi और अर्नव देखता है कि gardener एंड squirrel और bees सब वहाँ पर थे जो कि अपने काम को फिनिश करने के बाद वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे अनु सैट टू हिज मदर सैडली आई विश आई हैड ऑल्सो इट वैन आई हैड टू आई वुड हैव बीन हैप्पी टुडे लाइक दैम एंड कुड प्ले विथ डैम अनोज मदर हड हिम एंड सेड, यू कैन डू दैट इवन नाउ स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे रेगुलरली मेक श्योर यू गो टू प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर वर्क आर नाउ यस माँ आई हैव लर्न माय लेसन अर्नव अब अपनी माँ को दुखी होते हुए कहता है कि माँ अगर मैं भी टाइम से पढ़ाई करता तो मैं भी इन लोगों के साथ एंजॉय कर रहा होता अर्नव की माँ उसे गले से लगाते हुए कहती है आप अभी भी ऐसा कर सकते हो आज से ही अपनी पढ़ाई रेगुलर स्टार्ट कर दो और तब ही खेलने जाओ जब आपका काम कंप्लीट हो जाए अर्नव अपने गर्दन हिलाते हुए कहता है कि हाँ माँ आज मैं न, अपना पार्ट सीख लिया है तो प्यारे बच्चों हमें भी अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए सो डेयर स्टूडेंट योर स्टोरी इज़ कम्प्लीट होप यू ऑल एन्जॉय द स्टोरी एंड लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड नॉट वेस्ट आर टाइम बिकॉज टाइम इज प्रीशियस वी शुड कम्प्लीट आर ऑल द वर्क इन टाइम ओके थैंक यू